कलबुर्गी डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन के स्टूडेंट्स मिथुन और कबीर के अलावा राफे और तारिक बुफा यानी बेलगाम यूनाइटेड फुटबॉल एकेडमी के जरिए स्टेट और नेशनल लेवल फुटबॉल टूर्नामेंट्स के लिए सेलेक्ट हुए हैं। इस मौके पर केडीएफए के कोच ने डिटेल बताते हुए कहा, मिथुन अंडर 19 कर्नाटका यूथ प्रीमियर लीग के लिए सेलेक्ट हुए हैं और कबीर कर्नाटका यूथ प्रीमियर लीग के अलावा इंडियन यूथ प्रीमियर लीग के लिए सेलेक्ट हुए हैं और इसके अलावा राफे और तारिक नामी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी गई है और ये ऑलरेडी बुफा में सेलेक्ट हुए हैं और बेलगाम में इनकी ट्रेनिंग चल रही है। मिथुन और कबीर के अलावा राफे और तारिक भी स्टेट एंड नेशनल यूथ प्रीमियर लीग के लिए खेलेंगे और साथ ही ये सीबीएसई नेशनल और खेलो इंडिया के अलावा दीगर सभी बड़े टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और इस मौके पर केडीएफए के कोच ने बताया, अंडर 10 स्टूडेंट्स को बुफा की जानिब से 1 महीने ट्रेनिंग के लिए इन्वाइट किया गया है। अगर ट्रेनिंग के बाद इन स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो इन्हें भी टूर्नामेंट में खेलने का मौका दिया जाएगा। केडीएफए कोच ने बताया, बुफा यानी बेलगाम यूनाइटेड फुटबॉल एकेडमी 3-स्टार रेटिंग रेसिडेंशियल एकेडमी है और खासकर केडीएफए के स्टूडेंट्स को टूर्नामेंट में मौका देने के लिए बुफा एकेडमी का शुक्रिया अदा किया गया है। गुलबर्गा शहर में मौजूद केडीएफए फुटबॉल एसोसिएशन पिछले 4 सालों से काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है और काफी कम वक्त में यहां के स्टूडेंट्स ने स्टेट नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर टूर्नामेंट खेलकर गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन किया है। केडीएफए के जरिए गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट्स में फुटबॉल के लिए जोश और जज्बा पैदा करने में आईपीएस ऑफिसर आयडा मार्टिन सर का बहुत बड़ा रोल रहा है। इन्हीं की बदौलत आज फुटबॉल एसोसिएशन के जरिए काफी ज्यादा स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर कामयाबी हासिल कर रहे हैं। इस मौके पर केडीएफए कोच के अलावा बुफा में कर्नाटका यूनाइटेड प्रीमियर लीग में सेलेक्ट होने के लिए कबीर और इनके फादर ने केडीएफए कोच और बुफा का शुक्रिया अदा किया है। कलबुर्गी डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन सिर्फ गेम खेलना नहीं बल्कि स्टूडेंट्स को लाइफ स्टाइल सिखाता है। अगर आप भी अपने बच्चों को फुटबॉल सिखाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर केडीएफए कोच से राबता कर सकते हैं। 5 साल से लेकर 17 साल तक के स्टूडेंट्स को यहां ट्रेनिंग दी जाती है। ज्यादा जानकारी के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हेलो एवरीवन, माय नेम इज फरहान, द हेड कोच फॉर कलबुर्गी डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन एंड वी आर प्राउड टू टेल यू दैट फ्रॉम आवर एकेडमी देयर आर प्लेंटी ऑफ स्टूडेंट्स। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कुछ लेवल पे लाइक यू सिलेक्ट हुए हैं और लास्ट ईयर भी आई लीग खेल कर आए हैं, इंडियन यूथ लीग, और इस साल भी एक हमको अच्छी खबर मिली है कि बुफा जो बेलगाम यूनाइटेड फुटबॉल अकेडमी है वहाँ पे फिलहाल अंडर 17 के लिए कबीर जो है वो सिलेक्ट हुआ है यूथ प्रीमियर लीग, कर्नाटका स्टेट यूथ प्रीमियर लीग खेलने के लिए और इंडियन यूथ लीग खेलने के लिए। इनके साथ साथ ये जो कुछ बच्चे हैं जो सामने खड़े हैं इनको हम फिलहाल एक ट्रेनिंग कॉन्सेप्ट पे भी भेज रहे हैं बेलगाम को, जो ये बच्चे जो है अंडर 10 के हैं और ये 1 महीना बेलगाम में रहने वाले हैं, स्पेशल ट्रेनिंग लेने वाले हैं। उसकी वजह यह है कि अगर वो इस साल अच्छा परफॉर्म कर पाए तो इनफैक्ट अगले साल इन लोगों को भी मौका दिया जाएगा, नेशनल्स भी हो सकता है या तो फिर सुब्रतो इंटरनेशनल कप होता है एंड कर्नाटका स्टेट यूथ प्रीमियर लीग होता है और उसके साथ साथ आई लीग भी होता है। पिछले साल के मुकाबले में भी जो काफी बच्चे आई लीग हमारे जो खेलकर आए अंडर 13 और अंडर 15, जिसमें राफे जो इंडियन के लिए रिप्रेजेंट कर रहा था पिछली बार, वो अभी फिलहाल वहीं पे ही है। राफे, तारिक, ये जो 2 बच्चे हैं वो भी वहीं पे हैं अभी राइट नाउ और वो ऑलरेडी सिलेक्ट हो गए हैं, वहीं पे उनका स्कूल में एडमिशन भी हो गया है और वो वहीं पे ट्रेनिंग ले रहे हैं क्योंकि इस साल वो भी रिप्रेजेंट करने वाले हैं इंडियन यूथ लीग को और सीबीएसई नेशनल, सुब्रतो इंटरनेशनल कप, खेलो इंडिया, ये सब टूर्नामेंट्स वो बच्चे भी खेलने वाले हैं। और मैं काफी आई विल बी थैंकफुल फॉर बुफा क्योंकि जो मदीन सर है और इनफैक्ट वहाँ के जो कोचेज हैं, वहाँ पे हिमांशी एक है और अभिषेक है, तो काफी अच्छे मेहनत भी कर रहे हैं और उन लोगों के वजह से आज ये बच्चों को मौका मिल रहा है और वी आर वेरी थैंकफुल फॉर बुफा क्योंकि बुफा जो है बेलगाम यूनाइटेड इंडिया की टॉप 16 टीम्स में अभी आ गया है क्योंकि लास्ट ईयर अंडर 13 उनका ओडिशा में टॉप 16 में क्वालिफाई हो गया था एंड अनफॉर्चुनेटली मैच एकाध मैच हारने की वजह से लाइक वी कुडंट गो फर्दर, लेकिन बुफा काफ़ी अच्छा काम कर रहा है और उसके लिए हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। गुलबर्गा फुटबॉल एकेडमी जिस तरीके से काम कर रही है, तकरीबन अगर आपको हम बता दें कि हमारी ट्रेनिंग राइट नाउ चंद्रकांत पाटिल स्कूल में चल रही है, उसके साथ साथ स्पार्किल इंटरनेशनल स्कूल में चल रही है, देन दामोदर राघुजी स्कूल में अभी हमने रिसेंटली स्टार्ट किया है, अलशारे स्कूल के अंदर चल रही है, हुसैन पब्लिक स्कूल के अंदर ट्रेनिंग चल रही है। अप्रोक्सीमेटली हमारे साथ जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो नए तकरीबन 400 से 500 बच्चे हैं जो हमारे अंडर ट्रेनिंग ले रहे हैं और इनफैक्ट ट्रेनिंग लेना ही मकसद नहीं है, इसके साथ साथ वो बच्चों को रिजल्ट भी हम दे रहे हैं और वो बच्चे कहीं ना कहीं पे प्लेटफॉर्म हासिल कर रहे हैं। तो हमारा ट्रेनिंग का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि बच्चों को खिला लिया और फीस ले लिया, ट्रेनिंग का मकसद ये है कि बच्चों की हम पहचान बना सके, उसकी आइडेंटिटी बना सके, उसको एक प्लेटफॉर्म पे पहुंचा सके ताकि लोग और दुनिया उसको जाने। तो इनकेस अगर आप में से भी कोई आपके बच्चे हैं अगर वो आना चाहते हैं तो ऑर्बिट प्ले एरिना जो साबत क्रॉस के आगे नागनली क्रॉस के पास है,
तो उधर आप आके नीचे दिए हुए नंबर पे भी एडमिशन आप कॉल के लिए कर सकते हैं। तकरीबन अगर आप देखोगे तो बहुत से बच्चे हैं। सबसे पहले तो एक राफे जो इंडिया खेलकर आया गोतिया कप, उसके साथ साथ राफे के साथ तारिक हो गया, शाहजेब है। इनफैक्ट लास्ट ईयर मेरे ख्याल से अप्रोक्सीमेटली 16-17 बच्चे थे जो एक लेवल पे पहुंचे हैं, जिन्होंने स्टेट और नेशनल भी खेला है। तो ये बच्चे हैं, इसके साथ साथ फिर अब ये जो बच्चे जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि ये भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे। तो इस साल हमारी, इस साल से भी तैयारी, हमारी जो तैयारी चल रही है सिर्फ अभी से नहीं, 3 साल से अप्रोक्सीमेटली चल रही है और बच्चों को कहीं ना कहीं रिजल्ट दिया जा रहा है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मोहम्मद रेहान, आई एम द हेड कोच ऑफ गुलबर्गा फुटबॉल अकेडमी। सो आई एम हियर टू टेल यू ऑल अबाउट माय अकेडमी हियर। सो वी हैव बीन वर्किंग टुगेदर, दिस इज गिड्डू हियर एंड माय फरहान सर। सो वी हैव बीन वर्किंग टुगेदर सिंस 3 to 4 years नाउ। सो our players have been very good recently, and also we are trying to give the players that platform to play the and give them their identity. So we thank Ida Martin sir also, and our academy comes under this Kalburgi District Football Association. We thank also our association for working together and being an helpful asset to us. Agar aap apne bacche ko bhi bhejna chahte hain to this is our right place. हम बच्चे के लिए बस फुटबॉल ही नहीं खिलाएंगे, उनको लाइफ स्किल्स भी एक बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है। सो कैसे रहना है, कैसा क्या खाना है, कैसे रहना है। सो फुटबॉल बस गेम नहीं है, इट्स अ लाइफस्टाइल फॉर अस। सो अगर आपको एडमिशन कराना है तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस। आवर एड्रेस इज नागनली क्रॉस, अबव शाहबाद क्रॉस के आगे आता है। सो यू 5 बजे से 7 बजे तक ट्रेनिंग रहेगी, एंड अगर आगे कुछ फर्दर डिटेल्स है तो नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कीजिए। हमारा नंबर है 9916233854। इस नंबर पे कॉल करके आप कुछ भी डिटेल्स पूछ सकते हैं, और हमारा इंस्टाग्राम हैंडल gulbarga_football academy, इस पे भी आप देख सकते हैं कि आप हमारे बच्चे कहाँ कहाँ खेले हैं, हमको फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे। तो हमारे अकेडमी में हम लोग 5 साल से लेकर 17 साल तक ट्रेनिंग देते हैं। ऐसा नहीं कि छोटे बच्चे हैं तो खेल नहीं सकते, बड़े बच्चे हैं तो बड़ों के साथ, सबका अलग अलग एज ग्रुप का प्लान रहता है, सेशन प्लान अलग रहता है। तो वैसा वर्कआउट करके बच्चे को हम ट्रेनिंग देते हैं, फिर आगे बड़े लेवल पे पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अगर बच्चे के पास पोटेंशियल है तो वो ज़रूर इंशाल्लाह खेलेगा। मैं कबीर का फादर हूँ, बोफा को थैंक्स कहना चाहता हूँ कि हमारा बच्चा जो है सेलेक्ट हुआ है अंडर 17 के लिए, और यहाँ के तमाम कोचेज का, फरहान सर और गिड्डू भाई, फरहान भाई, रेहान भाई, सबका जो हमारे बच्चे के लिए पीछे बहुत मेहनत की है सब लोग ने। और देश के लिए भी एक बोलना चाहता हूँ कि सब लोग जो है अपने बच्चों को फिटनेस से जोड़े रखो, स्पोर्ट्स से जोड़े रखो, अपने इंडिया के लिए आगे हर चीज़ के लिए जो है, मतलब बच्चे फालतू कोई चीज़ में नहीं जाएंगे, फिटनेस से जुड़े रहेंगे अपने। और कुछ अगर उनका किस्मत साथ दी तो आगे जो है अपने इंडिया को भी प्रेजेंट कर सकते हैं ऐसा कुछ भी। हेलो एवरीवन, मायसेल्फ शेख कबीर और मैं GFA का स्टूडेंट हूँ। ये मेरे कुछ कोचेस है, रेहान सर और गिड्डू सर, जिन्होंने मेरे लिए बहुत मेहनत की और मेरे पीछे बहुत ध्यान दिया है। और मैं थैंक्स करना चाहूँगा गुलबर्गा के हेड कोच फरहान सर के लिए, और साथ ही साथ बेलगाम यूनाइटेड फुटबॉल अकेडमी के कोचेस मतीन सर, उन सबको मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा।